पंचतत्व में विलीन हुई हीराबा, गांधीनगर शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने मां हीराबा को दी मुखाग्नि, पंचतत्व में विलीन हुई मां हीराबा। मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के बाद भावुक हुए पीएम मोदी, लोगों ने बंधाया ढांढस। गांधीनगर शमशान घाट पर पीएम मोदी ने मां हीराबा के किए अंतिम दर्शन। पीएम मोदी की मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला, पीएम मोदी से हाथ मिलाकर बधाई ढांढस। पीएम मोदी की मां हीराबा की अंतिम यात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम विजय रूपाणी। पीएम मोदी की मां का निधन, 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में ली अंतिम सांस। माहिराबा के निधन की पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी, लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएम मोदी की मां हीराबा के चरणों में पीएम मोदी ने नमन किया, पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मां हीराबा के शव को दिया कंधा, इस दौरान नजर आए भावुक। पीएम मोदी की मां की अंतिम यात्रा के दौरान भावुक हुए लोग, स्थानीय महिलाओं ने नम आंखों से दी विदाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर दुख जताया, पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया, लिखा, दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीएम मोदी के साथ। पीएम मोदी की मां के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, ट्वीट करके कहा कि हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है, एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन की शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, कहा, दुख की घड़ी में पीएम मोदी के साथ पूरा देश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर व्यक्त किया शोक, कहा, मां का निधन अत्यंत पीड़ादायक, ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शोक व्यक्त किया, लिखा, सादगी तपस्या और कर्म की त्रिवेणी मां के चरणों में सादर प्रणाम, ईश्वर से पीएम मोदी को संबल प्रदान करने की कामना भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर संवेदना व्यक्त की, जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जताया शोक, लिखा, ईश्वर परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा सहने के लिए ताकत दे। पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताया दुख, व्यक्त की संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी के निधन पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया, गुजराती में ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, लिखा, मां का निधन बेटे के लिए असहनीय दुख, अपूर्णीय और असहनीय क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी दुख जताया, लिखा, पीएम की मां के निधन की सूचना अत्यंत दुखद, परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक, था बाबा केदार शोकाकुल परिवार को दुख सहने की ताकत दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी व्यक्त किया शोक। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जताया शोक। पीएम मोदी की मां के निधन पर यूपी के सीएम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई संवेदना, कहा, दुख की घड़ी में पूरा देश पीएम मोदी के साथ। हीराबा के निधन पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने जताया शोक, रमन सिंह बोले, मां जब भी छोड़कर जाती है सारा घर सूना हो जाता है। देहरादून पहुंचे घायल ऋषभ पंत, देहरादून के मैक्स अस्पताल में होगा इलाज, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए ऋषभ पंत। हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार, हादसे के दौरान कार में लगी थी आग, ऋषभ पंत ने कूदकर बचाई थी जान।
क्रिकेटर ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल, पीठ सिर और पैर पर लगी गहरी चोट। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, ऋषभ पंत के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी उत्तराखंड सरकार। आज से कर्नाटक के दो दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दुग्ध उत्पादन से जुड़े कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता उमा भारती का बयान, का भगवान राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। तुनिशा आत्महत्या मामले में वसई पुलिस ने तुनिशा की मां समेत मामा और मौसी का भी बयान दर्ज किया, करीब चार घंटे तक पूछताछ चली। अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तुनिशा की मां, कई अहम सवालों के जवाब देंगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, गांधी परिवार और राहुल हमारे नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी नेता। खुर्शीद के बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने तंज कसा, बोले कांग्रेस का चुनाव था एक ड्रामा, सच साबित हुई, रिमोट कंट्रोल है बात। बीएमसी ने शिवसेना के दफ्तर को किया सील, विरोध में उद्धव गुट ने जमकर किया प्रदर्शन। सीबीएसई परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 15 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा, 21 मार्च तक 10वीं और जबकि 5 मार्च तक चलेगी 12वीं की परीक्षाएं। जासूसी के आरोप में चीन की महिला हिरासत में, बोधगया थाने में महिला से पूछताछ जारी, पुलिस ने जारी किया था स्केच। सलमान खुर्शीद के बयान पर बोले कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, खुर्शीद के बयान की मंशा अलग, किसी के कहने से कोई भगवान नहीं बन सकता। अखिलेश के बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य से सहमत। मुंबई पुलिस ने कोपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह को सुरक्षा मुहैया कराई, रूप कुमार शाह ने ही सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को हत्या बताया था। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर निशाना, कहा भगवान राम का कब तक अपमान करेगी कांग्रेस, देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस की फितरत। आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक, निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी नेताओं के साथ होगा मंथन। एमपी के जबलपुर में कोरोना की फिर से दस्तक, अमेरिका से लौटी महिला कोविड पॉजिटिव निकली, जिनोमा सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना को लेकर नए साल पर अलर्ट, केंद्र सरकार दवा निर्माता कंपनियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक। हाई स्मेल फ्लाइट में हाथापाई मामले में शिकायत दर्ज, उड़ियन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी, मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत। मुंबई में नए साल को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मुलुंद इलाके में की जा रही चेकिंग। मेरठ में तेल माफिया पर आपूर्ति विभाग की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में मिलावटी डीजल पेट्रोल बरामद। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की नई ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी को दी मंजूरी, वर्ष 2025 तक 6000 मेगावाट और क्षमता स्थापित करने का रखा गया लक्ष्य। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात, राज्यपाल ने पेपर लीक होने और कोटा में आत्महत्या मामले में कार्रवाई की आवश्यकता जताई। नए साल पर दिल्ली में 16,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, महिला सुरक्षा पर दिया जाएगा विशेष ध्यान। नए साल में लोगों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है मुंबई पुलिस, वहीं शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी समेत 15 क्विक रिस्पांस टीम रहेंगी तैनात। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी रखा। छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट ने रंगदारी मामले में डिफॉल्टर जमानत की अर्जी दायर की, मामले में 4 जनवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली के शाहदरा में एमसीडी के सफाई कर्मचारी से मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल, असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई का आदेश दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक अभय वर्मा पर एमसीडी कर्मचारी को पीटने का आरोप लगाया, अब विधायक कुलदीप ने अभय वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पेपर लीक होने को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम और नगर पंचायत की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को जयपुर में किया गया सम्मानित,
मंत्री टीकाराम ने सम्मानित किया। राजस्थान के अलवर में बदमाशों ने एटीएम से चुराए पैसे, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दो की तलाश जारी। बिहार के बेगूसराय में ट्रेन से बरामद हुए 27 कछुए, असम में तस्करी के जरिए लाए गए थे कछुए, जेआरपी ने कछुओं को गंगा नदी में छोड़ा। बिहार के सुपौल में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, एसएसबी की 45वीं बटालियन ने 163 किलो ड्रग्स को जब्त किया, मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कटनी में सड़क पर दिखे तीन बाघ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भोपाल में शिक्षक ने 5 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा, पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया, तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के फरुखाबाद में वेतन न मिलने को लेकर आशा कर्मचारियों ने किया धरना, आशा कर्मचारियों ने पूरे जिले में प्रदर्शन की चेतावनी दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कासगंज में बदमाशों ने घर में घुसकर की लूटपाट, लाखों का सोना लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के टावा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, 6 लोग हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संबल में गेस्ट हाउस में मिला युवक का शव, युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के लोहरदगा में नक्सली और सीआरपीएफ में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के झरिया में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आया जीआरपी का एएसआई, हादसे में एएसआई की दर्दनाक मौत। यूपी के रायबरेली में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। बिहार के नवादा में पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला, पुलिस ने 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या और रेप के आरोपी को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, साल 2012 में पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था आरोपी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड पर कार में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पुणे में 2 ट्रक अवैध शराब जब्त की गए हैं, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मध्य प्रदेश के सतना में युवती पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, युवती की दर्दनाक मौत। राजस्थान के धौलपुर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, पुलिस को सड़क पर मिली युवक की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के जहानाबाद में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 11 शराब कारोबारियों समेत 23 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ ने तस्करी के 150 टन कोयले को जब्त किया, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में चोरों ने मंदिर में चोरी की, मंदिर की दानपेटी से चुराए 20,000 रुपए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सड़क पर मिली युवक की लाश, पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में जिम के मालिक पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप, पुलिस ने मामले में जिम के मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी से मुगल रोड पर यातायात ठप हुआ। जम्मू कश्मीर के नाथा टॉप पर भारी बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है बर्फबारी, धर्मशाला समेत चंबा और लाहौल स्पीति में जारी है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जारी है बर्फबारी, सोलंग घाटी और अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ में भारी बर्फबारी। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी का माहौल। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी का माहौल, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के शोपियान में दिखा बर्फबारी का असर, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की चादर। यूपी के आजमगढ़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की, 21 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।